मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 के कृतिका की अनुपम श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मधु काकरिया द्वारा लिखी साना साना हाथ जोड़ी के पार्ट नंबर 3 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आदिम युग का मतलब होता है वह प्रारंभिक युग। प्रारंभिक युग जब इस युग की शुरुआत हुई, उसकी शुरू का युग। किसी अभिशप्त अभिशप्त का मतलब होता है किसी जिस पर झूठा आरोप हो, जिस पर झूठा आरोप हो। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर इसका अर्थ शापित से होगा, अभियुक्त से होगा। शापित का मतलब जिसको शाप दिया गया हो। किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरी भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। ये मधु कांकरिया बोल रही है। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा। अर्थात मन ऐसा करने लगा कि कोई मैं कविता पाठ करूं, कोई रचना कर डालूं। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। अर्थात सत्य और सुंदरता से साक्षात परिचय हो रहा था। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, जहां कहीं अंत न हो, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूं। भीतर की सारी तामसिकताएं का मतलब होता है तामसिकता। अर्थात तमोगुण से युक्त कुटिल, तमोगुण रजोगुण ये सब होता है उसकी बात कर रही हैं। दुष्ट वासनाएं यानी जो बुरी अंदर की वासनाएं थी, चाहत थी, इस निर्मल धारा में अर्थात इस पवित्र धारा में बह गई। अर्थात समाप्त होने लगी। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, चलने के लिए दबाव बनाने लगा। आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। हमारा जो गाइड था, ड्राइवर था जितेन, यह बात कहने लगा, यहां से चलिए, इससे भी सुंदर नजारे आपको मिल जाएंगे। अनमनी सी मैं उठी। अनमनी का मतलब बिना मन तो वहां से जाने का नहीं कर रहा था, फिर भी आधे मन से मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर। परिदृश्य से सब छूमंतर का मतलब यानी हमारे सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा था वो पल भर में ही गायब हो गया। जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो, सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय हो गया। अर्थात कदम दर कदम हर कदम पर दृश्य बदल रहे थे। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। यानी जीवन में इतने सारे रहस्य हैं, उसको बताने के लिए आतुर थी, व्याकुल थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। धीरे धीरे धुंध की थोड़ी चादर छटी। छटी का मतलब थोड़ी गायब हुई। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम उन्नति की अनंत ऊंचाइयों के रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत का मतलब स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई दे रहा था। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती थी। अपने को निरंतर देने दे देने की अनुभूति
कराते वो पर्वत, वो झरने, वो फूलों, वो घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे जिनको आसानी से नहीं देखा जा सकता था, वो नज़ारे हमारे सामने नजर आ रहे थे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, थिंक ग्रीन इसका मतलब क्या है? हरे रंग की सोचो, हरे रंग की सोचो, ठीक है। तो इस यात्रा वृतांत की दुनिया में जो साना साना हाथ जुड़ी है, छोटे छोटे हाथों से मधु कंकरियां जो प्रार्थना कर रही हैं, इसमें बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का, फिर हम मिलेंगे पार्ट नंबर 4 में। जय हिंद, जय भारत।